मध्य प्रदेश के देवास में कुछ लड़कों ने एक आदमी को बीच सड़क पर पकड़कर पीट दिया। आरोपी के पैसे के लेन देन की वजह से दोनों पक्षों में विवाद था और इसी वजह से एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के आदमी को बीच बाजार में पकड़ लिया और उसे रस्सियों से बांधकर सड़क पर घसीट दिया। जिस वक्त सड़क पर यह हंगामा हो रहा था उस वक्त कई लोग सड़क से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी इन लोगों को मारपीट करने से नहीं रोका और लोग आदमी को पिटता देख वहां से आगे बढ़ते रहे। इस बीच वहां जुटी लोगों की भीड़ भी तमाशा देखती रही और ये लड़के आदमी को बेरहमी से पीटते रहे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और तुरंत कार्रवाई करते हुए हंगामा कर रहे लड़कों को पकड़ लिया और पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए, जबकि बेरहमी से पिटाई की वजह से घायल हुए आदमी को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सात आठ लोगों ने मारपीट की, जो भी पुराने रजिस्टर के लड़ा हुआ। इस हंगामे के बाद अस्पताल में भर्ती आदमी ने भी उससे मारपीट कर रहे लोगों पर मारपीट और पैसे छीनने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में बाढ़ से होने वाली तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस आफत से लोगों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य प्रदेश में बारिश से हालात और बिगड़ सकते हैं और ये अनुमान सही साबित भी होने लगा है। सीहोर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। उभनती कोलार नदी में तो एक गाड़ी भी फंस गई। कार में दो लोग थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार में फंसे लोगों के नजदीक पहुंचना मुश्किल हो गया। हालांकि किसी तरह वक्त रहते कार में मौजूद लोगों को बचा लिया गया। इसके कुछ देर बाद सैलाब ने कार को पलट दिया। लोग बुरी तरह डर गए। नदी का जलस्तर खतरनाक होने से कई इलाकों का भी संपर्क कट गया। जिले के दूसरे इलाकों में भी बाढ़ की जबरदस्त मार पड़ी। मंदिर भी नहीं बचे। नाव की मदद से पहुंचे लोग मंदिर पर ताला लगाकर महफूज ठिकानों की तरफ चले गए। इलाके में दूर दूर तक बाढ़ से हुई बर्बादी का मंजर साफ दिखाई दिया, जिसे उबरना लोगों के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि इस बारिश से राजधानी भोपाल के लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि भोपाल की प्यास बुझाने वाला जो बड़ा तालाब पिछले महीने तक सूखे के संकट से गुजर रहा था वो अब उफान पर बह रहा है। नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजा भोज की जो प्रतिमा जहाँ पर है, ये पूरा सूख गया था जब भीषण गर्मी इस बार पड़ी थी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार पड़ी थी, तो वहीं इस बार बारिश ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बहुत जल्द ही जो फुल टैंक लेवल है वो बड़े तालाब का हो जाएगा, पहुंच जाएगा उस तक। तालाब का जलस्तर बढ़ना भोपाल के लिए जितनी राहत की खबर है उतनी ही ये आफत की भी चेतावनी है, क्योंकि जब जब तालाब का पानी राजा भोज की मूर्ति के करीब पहुंचा है तब तब भोपाल में भीषण बाढ़ आई। ऐसे में तालाब का जलस्तर बढ़ने से लोग डरे हुए भी हैं और ये डर छत्तीसगढ़ में भी बढ़ने लगा है। बस्तर समेत चार जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का संकट बना हुआ है, लेकिन इस बाढ़ में भी जवानों का हौसला चट्टान की तरह मजबूत है। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में तो सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जिसे कैंप तक लाने के लिए नाव का सहारा लिया गया। बाढ़ के पानी में सड़क गायब हो चुकी थी और एम्बुलेंस का वहां से निकलना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद नाव की मदद ली गई। शहीद के पार्थिव शरीर को नाव की मदद से दूसरे छोर पर लाया गया जहां पानी कम था। गर्दन तक डूबकर जवानों ने शहीद के पार्थिव शरीर को सुरक्षित कैंप तक पहुंचाया। बताया गया कि बाढ़ की आड़ में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कई जवानों को निशाना बनाने की साजिश रची थी, लेकिन जवानों ने उनकी साजिश पर पानी फेर दिया। छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में भी बाढ़ की वजह से हालात खराब रहे। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बस्तर जिले में देखने को मिला, जहां एक गांव में करीब 50 लोग फंसे हुए थे जिन्हें एसडीआरएफ ने बिना वक्त गंवाए रेस्क्यू किया। इसके बाद सभी लोगों को बाढ़ के बीच से सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में ले जाया गया। सूचना मिली कि बोले यहां पे लगभग 40 लोग फंसे हुए हैं तो उनको बाहर निकाला जाए, तो मेरा टीम भेजकर अभी 3 ट्रिप निकाल चुके हैं, अभी चौथा ट्रिप और गया हुआ लेने के लिए। दूसरे इलाकों में फंसे लोगों को भी बचाव दल ने रेस्क्यू किया। बस्तर में इंद्रावती नदी के उफान पर होने की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए हैं और सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी बताया है कि नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है, जिससे लोगों को राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली। हालांकि प्रशासन का दावा है कि खतरा जितना बड़ा है उतनी ही कड़ी तैयारियां उसकी तरफ से भी की गई हैं। जिला प्रशासन पूरे तैयारी कर रखा है। जिला स्तर पर आपका कंट्रोल रूम टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा आपका सभी आपका एसडीएम और तहसील ऑफिस में भी कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोगों को डराने के आरोप में एक आदमी की पिटाई कर दी गई। आरोप है कि वो आदमी एक मंदिर के बाहर चाकू दिखाकर लोगों को डरा रहा था, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वाले और मंदिर के सुरक्षा कर्मी उस पर टूट पड़े। एक पुलिस वाला उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाने लगा। वो आदमी जमीन पर बैठकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस वाले और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने काफी देर तक उसकी पिटाई की। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के शहीद हेमंत करकरे पर दिए गए विवादास्पद बयान का समर्थन करते हुए आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने साध्वी का बचाव किया। इंद्रेश कुमार ने उस समय की कांग्रेस सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। करकरे आतंकी की गोली से मरे, इसलिए वो शहीद हैं। परंतु सरकार कांग्रेस ने वर्दी का मिसयूज करके अपनी कॉन्स्पिरेसी को सिद्ध करने के लिए साध्वी पर अत्याचार करवाए, इसलिए जहां बलिदान का सम्मान है परंतु उसके अत्याचार को भी अंकित करना ये जरूरी है, इसलिए मैंने इसको किया था। देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। एक निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से जुड़े केस में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला पर मेडिकल कॉलेज का पक्ष लेने का आरोप। सीबीआई ने जस्टिस एसएन शुक्ला पर केस दर्ज करने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश से इजाजत मांगी और सीजेआई रंजन गोगोई ने एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद पहली बार किसी सिटिंग जज पर एफआईआर का रास्ता साफ हो गया। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में जस्टिस एसएन शुक्ला की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 2017 के इस मामले में सीबीआई पहले से जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ जांच कर रही है, जिसके लिए पिछले सीजेआई दीपक मिश्रा से इजाजत ली गई। न्यायपालिका की ही एक कमेटी ने जनवरी 2018 में जस्टिस एसएन शुक्ला से न्यायिक कामों की सारी जिम्मेदारियां ले ली। तेलंगाना में नक्सली कमांडर की मौत के बाद गांव के कुछ लोगों ने सुरक्षा बल पर हमला कर दिया। तेलंगाना की भद्राचलम में नक्सली मुठभेड़ के बाद गांव के कुछ लोगों ने सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें कई जवान घायल हो गए। छत्तीसगढ़ की बस्तर में आईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जिसके बाद उसके पार्थिव शरीर को कैंप तक पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। मध्य प्रदेश की नीमच में भारी बारिश की वजह से सरकारी स्कूल की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें चार बच्चे घायल हो गए। बिहार के दरभंगा में आई बाढ़ के बीच कुछ लड़के खतरे के निशान के ऊपर बहती नदी पर बने रेलवे पुल पर खड़े होकर सेल्फी लेते नजर आए। उरी में पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का जवाब देते हुए भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के पोस्ट को निशाना बनाया। मध्य प्रदेश के गुना में प्रशासन ने छापेमारी कर जहरीले रंगों से नकली मसाला बनाने वाली फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास हो गया। राज्यसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिल पेश किया और दावा किया कि इस बिल के पास होने के बाद सड़क हादसों में कमी आएगी। कोई लड़ाई में, कोई दंगों में एक मरते जितने 1.5 लाख लोग हमारे एक्सीडेंट में मर रहे हैं, और इसके कारणों को अध्ययन करते हुए उसको सुधारने के लिए हमने इस बिल में प्रोविजन की है। लेकिन कांग्रेस ने बिल की खामियां गिनाते हुए इसका विरोध किया। दिस डिफेक्टिव बिल, आई डोंट थिंक सो इट विल सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने बिल पर बहस के दौरान दावा किया कि केंद्र सरकार को वो काम करने पड़ रहे हैं जो कई साल पहले हो जाने चाहिए थे। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार को एक बहुत पुराना जो एक बैकलॉग गवर्नेंस रिफॉर्म्स का तैयार हुआ है, उसको क्लियर करने में अपनी सारी मेहनत और अपनी सारी ताकत खर्चा करना ये स्वाभाविक हो गया है। 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया था। पिछले 31 साल से देश में वही कानून लागू है। लेकिन शाम होते होते सरकार को ये बिल राज्यसभा से पास करवाने में कामयाबी मिली। तीन तलाक पर बिल के बाद लगातार दूसरे दिन राज्यसभा में सरकार ने एक अहम बिल पास करवाया और नंबर गेम में पिछड़ने के बावजूद अपनी कूटनीति से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। मोटर व्हीकल्स एक्ट पर हुए वोटिंग के दौरान इसके पक्ष में 108 और विपक्ष में केवल 13 वोट पड़े। हैरानी की बात यह रही कि बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस के पास ही राज्यसभा में 47 सांसद, इसलिए राज्यसभा में बिल का खुलकर विरोध करने वाली कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है। लेकिन बिल को कानून बनने में अब भी वक्त लगेगा, क्योंकि बिल एक बार फिर लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा से पास होने के बाद बिल में कुछ बदलाव किए गए थे, जिस पर कांग्रेस ने राज्यसभा में एतराज उठाया था। अब राज्यसभा से पास होने के बाद बिल को दोबारा लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, इसलिए मोटर व्हीकल संशोधन बिल का कानून बनना अब तय माना जा रहा है। इसलिए इस बिल के जरिए नियम तोड़ने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। कई अपराध तो ऐसे हैं जिन पर जुर्माने की रकम 10 गुना तक बढ़ा दी गई। मसलन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए पहले जुर्माना केवल 500 रुपए था, लेकिन नए कानून के बाद जुर्माना 5000 रुपए हो जाएगा। बिना सीट बेल्ट या बिना हेलमेट के ड्राइविंग पर पहले जुर्माना केवल 100 रुपए था,
लेकिन अब जुर्माना दोनों ही सूरत में 1,000 रुपए होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। इसी तरह तय सीमा से ज्यादा रफ्तार से कार चलाने का जुर्माना 400 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया। दो पहिया वाली गाड़ियों पर अगर तय सीमा से ज्यादा सामान रखा गया या दो से ज्यादा लोग बैठे तो जुर्माना पहले केवल 100 रुपए होता था, लेकिन अब 2,000 रुपए होगा। और बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने का जुर्माना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया। इन सख्त कायदों के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि लोगों के दिल में कानून का डर बिठाया जाए। ज्यादा जुर्माने की वजह से लोग कानून न तोड़ें। दिल्ली में जब न्यूज़ 18 की टीम सड़क पर लोगों से बात करने पहुंची, तो लोगों ने सरकार के कदम की तारीफ की। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 1,000 रुपए तक चलान देना होगा, आपको लगता है ठीक कदम है? जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाएगी गवर्नमेंट, पब्लिक नहीं सुधरेगी। मुंबई के लोगों के बीच इन सख्त नियमों का मिला जुला असर दिखा। 10,000 का गाड़ी लेगा और 5,000 रुपए भरेगा तो 10 फाइन में उसको गाड़ी बेचना पड़ेगा। पर वो जुर्माना हम पे लगाम लगाने के लिए रहता है। अहमदाबाद में तो बिना हेलमेट सड़क पर उतरे लोगों को भी बिल में खामी नहीं दिखी। नियम बनता है तो भरना तो पड़ेगा ही और जागरूकता लाएंगे। लेकिन बिल में कई ऐसे प्रावधान भी हैं जिनकी वजह से उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है जो अपनी गाड़ियां बच्चों के हवाले कर देते हैं। क्योंकि नए कानून के मुताबिक अगर 18 साल से कम उम्र का लड़का या लड़की गाड़ी चलाते पकड़े जाती हैं तो कार्रवाई गाड़ी के मालिक पर होगी। लड़के या लड़की के गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी के मालिक पर 25,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान। गाड़ी चलाने वाला नाबालिग अगर किसी सड़क हादसे को अंजाम देता है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा और उस पर भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से बचने के लिए गाड़ी के मालिक या फिर नाबालिग के माँ बाप को ये साबित करना होगा कि बच्चे ने उनकी जानकारी के बिना गाड़ी चलाई या उन्होंने घटना को रोकने की कोशिश की। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बिल के कानून बनने के बाद पुलिस की ताकत बढ़ जाएगी। चंडीगढ़ में तो कुछ लोगों को ये भी डर है कि रिश्वतखोरी भी बढ़ सकती है। इस कानून का गलत इस्तेमाल ना हो सके ताकि ट्रैफिक पुलिस को छूट मिल जाती है, दूसरे तरीके से पैसे उगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस अब इस कानून को लागू करने के लिए तैयार है। भोपाल के पुलिस वाले भी मानते हैं कि भारी जुर्माने के डर से लोग कानून का पालन करेंगे। जुर्माना ज्यादा होगा तो शायद इस वजह से, इस डर से ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे। नागरिक के रूप में सुरक्षा की बात। वहीं इस बिल के जरिए केंद्र सरकार ने